बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, शॉप नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं शिप्रा सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। पिछले दिनों बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर और नसरुद्दीन शाह के बीच CAA और NRC मामले को लेकर नोकझोंक हो गई थी। नसरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर को जोकर कहा था। उनके इस तंज का पलटवार करते हुए अनुपम खेर ने भी एक वीडियो ट्वीट कर उन्हें फ्रस्ट्रेटेड इंसान बताया था और कहा था कि जिन पदार्थों का वे खाते हैं वे सही और गलत के बीच के अंतर को नहीं समझ सकते हैं। अनुपम ने यह भी कहा कि अपार सफलता पाने के बाद नसरुद्दीन शाह का पूरा जीवन तनाव से भरा रहा है। अनुपम खेर ने कहा था कि दिलीप कुमार, शाहरुख खान, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और विराट की आलोचना कर सकते हैं तो मुझे यकीन है कि मैं एक अच्छी कंपनी में हूं। अगर आप मेरी बुराई करके सुर्खियों में आना चाहते हैं तो मैं आपको खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखें। और आपको मालूम है कि मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान, इसे आप समझ लीजिए। जनाब नसरुद्दीन शाह साहब, मेरे बारे में आपका दिया हुआ इंटरव्यू देखा, आपने मेरी तारीफ में कुछ बातें कहीं कि मैं क्लाउन हूँ, मुझे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैं साइको फैन हूँ, ये मेरे खून में है वगैरह वगैरह। इस तारीफ के लिए शुक्रिया, पर मैं आपको और आपकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। हालांकि मैंने कभी भी आपकी बुराई नहीं की, आपको भला बुरा नहीं कहा, पर अब ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी इतनी कामयाबी मिलने के बावजूद फ्रस्ट्रेशन में गुजारी है। अगर आप दिलीप कुमार साहब को, अमिताभ बच्चन साहब को, राजेश खन्ना साहब को, शाहरुख खान को, विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो आई एम श्योर आई एम इन ग्रेट कंपनी। और इनमें से किसी ने भी आपकी स्टेटमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये आप नहीं बल्कि बरसों से आप जिन पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी वजह से क्या सही है और क्या गलत है आपको इसका अंतर ही नहीं पता लगता। मेरी बुराई करके अगर आप एक दो दिन के लिए सुर्खियों में आते हैं तो मैं आपको ये खुशी भेंट करता हूं। भगवान आपको खुश रखे। आपका शुभचिंतक अनुपम। और आप जानते हैं मेरे खून में क्या है? मेरे खून में है हिंदुस्तान, इसको समझ जाइए बस। जय हो। अब अनुपम अपनी एक और ट्वीट की वजह से चर्चा में है। अनुपम खेर ने एक लाइन ट्वीट कर हेटर्स को करारा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है, ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। उनका ये ट्वीट किसी पलटवार से कम नहीं है। अनुपम खेर ने इस स्ट्रॉन्ग लाइन के जरिए उन लोगों को जवाब दिया है जो उनकी बातों को गलत मानते हैं। ऐसे लोग जो अनुपम के खिलाफ बोलते हैं या फिर अनुपम को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए अनुपम ने यह शानदार पंच दिया है। अनुपम खेर के इस ट्वीट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। फैंस अनुपम के शेर की दाद दे रहे हैं। फैंस ने कहा कि अनुपम का यह ट्वीट उनके हेटर्स के लिए जोरदार तमाचा है। तो कुछ फैंस उनके इस ट्वीट को नसरुद्दीन शाह पर निशाने के तौर पर भी देख रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी।